हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अलीशा फरीद और आप लोग देख रहे हैं शाइनिंग स्टार। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मजेदार बीफ पुलाव। तो बगैर टाइम में इसके चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये मैंने 1 kg के करीब बीफ, 1 kg राइस, चावल कुछ लिए हैं मैंने, तेज़ मसाले ये देखें, साबुत मसाले जिनमें है 2 तेज़ पत्ते और दालचीनी, और दालचीनी का 1 टुकड़ा और 2 अदद बड़ी इलायची और कुछ सब्ज़ इलायची और 1 अदद ये वाला, 2 मीडियम साइज कटे हुए प्याज, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन और 2 टीस्पून लिया है मैंने हरी मिर्च चॉप हुआ, 1 मीडियम साइज कटा हुआ प्याज टमाटर, 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून इमली, 1/2 कप ऑयल। मसालों में मैंने लिया है जी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ये चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ज़ीरा। तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे अपना बीफ, 1/2 टीस्पून नमक, 1 अदद तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 अदद लौंग और 1/2 इंच के करीब दालचीनी और 2 अदद सब्ज़ इलायची। इसके अंदर हम 3 से 4 ग्लास पानी ऐड करेंगे, पानी ज़्यादा भी ऐड हो जाए तो कोई मसला नहीं। 3 ग्लास मैंने इसके अंदर पानी के ऐड किए हैं, उसके बाद हम इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। हमारा बीफ जो है वो प्रेशर में है। हम लोग यहाँ 1 टेबलस्पून जो इमली है उसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसको इस तरीके से करके इसको हम छोड़ देंगे। इमली को ऐसे कर लिया है हमने और उस दौरान इमली को हम ऐसे कर देंगे, और जब तक हमारा प्रेशर नहीं आता हम लोग क्या करते हैं, हम अपने चावल भी धोकर अच्छे तरीके से भिगो लेते हैं। हाँ, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल गया है। हम जो है ये बोटियाँ अलग कर लेंगे और इसका पानी वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका सारा जो जायका है वो पानी में ही है। वो पानी जो है हम अपने चावलों में ऐड करेंगे। तो चलते हैं हम इसकी बोटियाँ अलग करते हैं। देखिए मैंने अब बोटियाँ निकाली, अब चलते हैं हम चावलों की तरफ। सबसे पहले हम अपने पैन में ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। अब हम जो है वो अपने प्याजों को कलर आने तक पकाएंगे, ज़्यादा हम इनको डार्क कलर नहीं देंगे, बिल्कुल लाइट सा कलर देंगे। तो ये देखिए हमारे प्याजों को कितना ब्यूटीफुल सा कलर आ रहा है। तो बस हम और ज़्यादा इसको कलर नहीं देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने खड़े मसाले, कड़ी पत्ता और ये लौंग, और ये जो है मैंने उसको तोड़ लिया है पीसीज में जो मैंने आपको दिखाया था, और 2 अदद लौंग है, 1 बड़ी इलायची, कुछ सब्ज़ इलायची। अब हम जो है इसको हल्का सा पकाएंगे ताकि बहुत ही शानदार किस्म की खुशबू आए। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये मसाले, अदरक लहसुन और हरी मिर्च। इसको हमने ऐसे ही नहीं छोड़ना, हमने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है। अब जो है हम इसको 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। हमने बस ये नहीं कि बस हमने कर दिया तो बस ठीक है, 2 मिनट हमने पूरे इसको कुक करना है ताकि जो हमारे अदरक लहसुन है और हरी मिर्च है उनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। ये देखें तकरीबन इसको 2 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे तरीके से हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपना गोश्त। गोश्त को ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाएंगे।
अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। कुछ लोग टमाटर एंड पे ऐड करते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ही ऐड कर रही हूँ। इसको करेंगे मिक्स। देन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये अपने मसाले जो मैं आपको पहले से ही इनकी क्वांटिटी बता चुकी हूँ। चम्मच की मदद से सारा ऐड करके हम इसको करेंगे मिक्स। और तकरीबन इसको यहाँ हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। अगर आपको पानी की कमी पेशी लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा पानी भी ऐड कर सकती हैं। हमने पहले इमली को पानी में डिप किया था, अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो करके इसका जो है एक पेस्ट बना लेंगे। हमने पानी ज़्यादा नहीं ऐड किया था, तो बाद में हम इसकी गुठलियाँ जो है वो अलग कर देंगे, साइड कर देंगे, उनको वेस्ट कर देंगे और बस जो इसका ये पेस्ट होगा वो ऐड करेंगे। वो इसकी बनाई करते तकरीबन मुझे यहाँ 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपना इमली जो मैंने आपको बताया था। गुठलियाँ मैंने साइड पर कर ली है, सिर्फ इसका ये पेस्ट एक रहने लिया है। और दही, दही ऐड करके जब दही अपना पानी छोड़ देगा फिर हम दही के पानी में ही इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे, तो तब तक हमारे 5 मिनट हो जाएंगे। बुनाई करते तकरीबन मुझे हो गए हैं 5 मिनट। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। 3 ग्लास था मेरे चावल, मैं इसके अंदर 5 ग्लास पानी के ऐड करूँगी। चावल थे मेरे तकरीबन 3 ग्लास, तो मैंने इसके अंदर ऐड किया है 5 ग्लास पानी। तो अब यहाँ से शुरू होते हैं हमारे टेक्निकल पॉइंट्स जो अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। हमने पानी डालते सारे फ़ौरन ही चावल नहीं ऐड करने, हम जो है इसको कवर कर देंगे तब तक इसमें एक अच्छा सा बॉईल ना आ जाए, तब तक ये बॉईल ना हो जाए। तो ये देखें ये अच्छे तरीके से बॉईल हो रहा है हमारा पानी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने चावल। ये देखते हैं चावल जो थे मैंने जब मैं बनाने लगी थी तब से ही मैंने जो है इनको अच्छे तरीके से धो के भिगो के रखा था। तो अब ये जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, हम बस इसको आराम आराम से हिला देंगे, ज़्यादा नहीं, हल्के हाथों से। हिलाने के बाद आप इस दौरान जो है वो इसका पानी चेक कर सकते हैं, नमक मिर्च जो भी है। और अगर नमक कम है या नमक कम है तो आप इस दौरान ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से एक बार हम इसको हिला देंगे और उसके बाद जी हम इसको कवर करके पकाएंगे। कवर किया और हम चेक करते हैं, ये देखें हम बिल्कुल हल्के हाथों से हिला देंगे एक बार। तो कई लोग क्या करते हैं इसको इसी टाइम पे दम दे देते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। अगर हम इस टाइम पे दम दे देंगे तो हमारे जो चावल हैं वो पप्पा बन जाएंगे। तो हम जो है वो इसको फिर से कवर करते हैं एक बार ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखें हम इसको एक बार फिर से ला देंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़्यादा नहीं। ये देखें और थोड़ा सा और कुक करेंगे, जो हमें पानी साइडों पे नज़र आ रहा है इसको भी हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे और ये साइडों से उतार लेंगे। फ्लेम जो है वो तकरीबन मीडियम टू हाई है, ज़्यादा हाई नहीं है, बिल्कुल मीडियम टू हाई है। तो आप भी इतना ही फ्लेम रखें तो अच्छे तरीके से कुक होंगे। हम इसको अगेन कवर कर देते हैं, हम इसको देंगे दम। फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे और इसको करेंगे कवर। किसी भी रुमाल की मदद से हम लोग इसको इस तरीके से कवर करेंगे और तकरीबन हम इसको 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके दम पे रखेंगे और फिर देखिएगा फाइनल लुक। हाँ हो गए हैं इसको 15 मिनट, बहुत ही शानदार किस्म की, अच्छी किस्म की इसके अंदर से खुशबू आ रही है। अब जो है हम सारे इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखें हमारा एक एक चावल अलग है। अगर आप भी मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके चावल ऐसे ही बनेंगे। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार बीफ पुलाव बनके तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर से अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। आप लोग देख ही सकते हैं एक एक चावल हमारा जो है वो अलग अलग हमें नज़र आ रहा है। और जो अगर आप मेरी ही टिप्स को फॉलो करेंगे जैसे मैंने आपको बताया तो आपके भी बीफ पुलाव बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए।
कि आपकी तरफ से एक इनाम होता है, हमें अप्रिशिएट करना होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।